रामनगर में एक और हत्या होने के बाद इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है, जहां वापस आते समय सपा लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष की मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि आनंद फानन में घायल सपा नेता को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने महाराजगंज थाना क्षेत्र के दो व्यक्तियों पर अखिलेश यादव उर्फ टिक्कू यादव की हत्या का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है और इस तरह रामनगरी में इस हत्या के बाद सनसनी का माहौल बना हुआ है। लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष जिनकी हत्या कर दी गई, दो बदमाश मोटरसाइकिल से आए थे और उन पर गोली चलाई, मौके से फरार हो गए। फिलहाल ये कौन से आरोपी थे, कहां से आए थे, इनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। अखिलेश यादव युवक थे, ये जिम गए हुए थे, जिम से निकल करके आ रहे थे, तभी उनके दो व्यक्तियों ने गोली मार दिया और इनको घायल अवस्था में लाया गया, जहां डेथ हो गई। इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं और तफ्तीश जारी है। यथाशीघ्र इसमें गिरफ्तारी होगी, जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई। हमारे समाजवादी पार्टी के कैडर था अखिलेश यादव टक्कू, बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता था, पार्टी के लिए मेरा संघर्ष करता था। उसकी आज शाम को हम लोगों को सूचना मिली, कुछ लोगों ने हत्या कर दी है। हम लोग यहाँ अस्पताल में आए हुए हैं और जिस तरीके से सरकार में समाजवादी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, बहुत निंदनीय है। गोसाईगंज विधानसभा के लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष अखिलेश यादव टक्कू की अभी शाम को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई और हम लोग यहाँ पर जिला अस्पताल में मौजूद हैं, पूरी समाजवादी पार्टी मौजूद है। लगातार उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और आप मीडिया के माध्यम से मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज भी नहीं है कि जो केवल समाजवादी पार्टी का झंडा लगाने वाले लोग हैं, लाल हरा ढूंढ ढूंढ कर उनकी हत्या की जा रही है और ये बहुत ही निंदनीय है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मयंक फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि सपा नेता की खुले आम सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, आखिर ये कौन से आरोपी थे, क्या कुछ सामने आ पाया है अभी तक? जी सिलसिला इतना बढ़ चुका है, जैसे कि पता चला कि कुछ दिन पहले अभी वहां पर हमला हुआ था आपका ललुओं में, वहां पर हत्या सपा नेता के पहचान की हत्या हुई थी। अब एक मामला फिर और सामने आया है जो महाराजगंज थाना क्षेत्र के निवासी समाजवादी पार्टी के लोहिया का अध्यक्ष था यादव अखिलेश यादव टिंकू यादव जिम के लिए जिम करके निकल रहा था, तो वहां कुछ बदमाशों ने कनकपुर गांव के पास उनको मार दी गोली, और जहाँ पे इनको जिला अस्पताल लाया गया, इनकी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जी मयंक, इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि जिन बदमाशों ने सपा नेता को गोली मारी है, क्या उनकी पुरानी रंजिश थी या फिर क्या कुछ वजह रही थी, ये कुछ अभी सामने आ पाया है? जी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि प्रश्न पूछा गया, ऐसा कोई पुरानी रंजिश नहीं हुई और न एकदम से जहाँ से सपा के नेता विधायक जो आए थे उन्होंने कहा लड़का बहुत ही अच्छा था और किसी से ज्यादा मतलब नहीं करता था, और लेकिन साफ तौर पर यही है कि कोई ना कोई पुरानी रंजिश को लेकर ही कुछ बातें हुई है। जी पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पे लगी हुई है और जांच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि रामनगरी में सपा नेता की गोली मारकर अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी है। फिलहाल इलाके में सनसनी का माहौल जरूर बना हुआ है और पुलिस जांच में जुटी हुई है, जिसके बाद ही ये पूरा मामला साफ हो पाएगा। आपको बता दें लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष और सपा नेता की ये हत्या कर दी गई है।